जनपद संभल के चंदोसी तहसील के गुमथल रोड पर स्थित इनॉक रिफाइनरी पर भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशाल सिंह चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जी हां, भाजपा नेता का आरोप था कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से भयंकर रोग हो रहे हैं, जिसकी जानकारी करने के लिए हम मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से नकली ऑयल बनाने की सूचना भी सामने आ रही है। वहीं इन आरोपों से फैक्ट्री संचालक नितिन अग्रवाल ने साफ इनकार किया है। जी हां, उनका कहना है कि हमारे पास सभी तरह के दस्तावेज मौजूद हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, जिसने फैक्ट्री के सभी दस्तावेज खंगाले। फिलहाल इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। देखिए, यहाँ पर आए हैं आप, ये एक फैक्ट्री चल रही है, क्यों आए हैं और किस चीज की फैक्ट्री है? पिछले कुछ माह से एक अजीब तरह की प्लास्टिक जलने की, केमिकल जलने की स्मेल आ रही थी। ये स्मेल लगातार कई महीनों से आ रही थी। हमने इसकी शिकायत भी जिलाधिकारी महोदय से की थी, थाने में भी की थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आज जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सभी कॉलोनी वासी इकट्ठी होकर आए। उन्होंने पता चला कि इस फैक्ट्री में से आती है। हमने यहाँ आकर देखा तो हज़ारों ड्रम जो यूज्ड मोबिल ऑयल के हैं वो यहाँ रखे हुए थे। उस यूज्ड मोबिल ऑयल को जलाया जा रहा था और खुलेआम उसका सीधा धुआं, जलने का सीधा धुआं तमाम आसपास की कॉलोनी और गांव में जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है पराली जलने तक पर रोके, वहाँ इस तरह के ये यूज्ड मोबिल ऑयल को जलाकर पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल सुबह ही ये सब आया है पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ। तो ये इस तरह की फैक्ट्रियाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, बड़े बच्चों के सभी के लिए बहुत हानिकारक है। इस तरह की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। क्या पाया है यहां पर आकर, किस तरह के इनके डॉक्यूमेंट थे? आपने डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने यहां आग लग गई थी। आप यहां कोई किसी तरह के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। हजारों लीटर आप देख रहे हैं, हजारों ड्रम क्षमता से अधिक ड्रम यहाँ यूज्ड मोबिल ऑयल के रखे हुए हैं। ये सब आपने कुछ कागज भी इनके चेक करे थे? ये फैक्ट्री मालिक कह रहे हैं कि सारे हमारी फैक्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से। इनके पास मैंने कोई संतुष्टिजनक कोई इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स की छोड़िए, आप क्या कोई भी ये जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है उनके आसपास आप ये क्या पॉल्यूशन एनओसी थी इनके पास? नहीं, पॉल्यूशन एनओसी ये दिखा तो रहे थे, पर मुझे नहीं लगता है इसकी मिलनी भी नहीं चाहिए। ये कॉलोनी के आसपास आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं यहाँ कितनी स्मेल आ रही है। यूज्ड मोबिल ऑयल को जलाया जा रहा है, क्या ये नुकसानदायक नहीं होगा सभी के लिए? जब वहाँ हम घर में नहीं बैठ पा रहे हैं इसकी बदबू से, तो ये नुकसानदायक नहीं होगा? नाम है आपका? मैं नितिन अग्रवाल, आइनॉक रिफाइनरीज का प्रोपराइटर हूँ। गुमथल रोड में इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी एक काले यूज ऑयल को साफ करने, फिल्टर करने की यूनिट लगी हुई है, और यहाँ पुराने तेल को फिल्टर किया जाता है और इसका इस्तेमाल फिर लुब्रिकेशन के लिए होता है। अच्छा, जैसे कि आप पे आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर आप नकली ऑयल बनाते हैं और आपकी जो यहाँ फैक्ट्री पे चिमनी है उसके निकलने वाले धुएं से बीमारियाँ फैल रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर, मैंने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी ले रखी है, उसका ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, और मेरी चिमनी की हाइट 70 फिट है जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुकूल है। इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा प्लांट लगा हुआ है, सारे मेरे पास पेपर कंप्लीट हैं, मेरी चिमनी से किसी तरीके का भी कोई काला धुआं नहीं निकलता है। और जो लोगों ने आरोप लगाए हैं कि काला धुआं निकलता है, वो किसी और की चिमनी का उसमें वो फोटो उन्होंने लगा दिया गया है। तो क्या किसी अवैध तरीके का कोई कार्य होता है आपके? मेरे यहाँ कोई अवैध तरीके का कार्य नहीं होता है, मेरी फैक्ट्री ओपन है, आप जहाँ चाहें वहाँ देख सकते हो। किसी तरीके का मेरे यहाँ पैकिंग का कोई कार्य नहीं होता है। काले तेल जो आता है उसे साफ करके फिर दोबारा फैक्ट्री को भेज दिया जाता है। अच्छा, ये ऑयल कहाँ से आपका आता है और इस ऑयल को आप जो है रिफाइनरी करके कहाँ ये जाता है, किस यूज़ में आता है ये? ये मेरा जो मोबिल होता है ना, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े गियर बॉक्स लगे होते हैं, उनमें लुब्रिकेशन के काम में आता है। कितना समय हो गया इस आपके यहाँ पर प्लांट को? प्लांट को चलाते हुए लगभग 6 महीने हो गए, और आस पड़ोस के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों चंदौसी के कुछ लोग यहाँ आ गए थे। चंदौसी से ये लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है मेरी फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया में है, जंगल में है, आस पास कोई आबादी या बस्ती नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आप पे इसको चलाने के? मेरे पास GST का रजिस्ट्रेशन है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का कंसेंट है जो कि 2021 तक वैलिड है, फायर की NOC है मेरे पास, और जो भी संबंधित पेपर है वो सब मेरे पास मौजूद है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।